देखिए नज़ारा, ये है साउथ गोवा लॉन्गिनॉस बीच रिजॉर्ट का, एक कह सकते हैं प्राइवेट बीच है, और ये है कोलवा बीच। देखिए वाटर लेवल ना सी लेवल जो ऊपर आके, ये पीछे भी ये बैक वाटर बनता जा रहा है। नज़ारा देखिए आप, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, मतलब वो देखो सामने रील्स बन रही हैं। गोवा एक पार्टी प्लेस भी है और एक इंस्टाग्राम बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। कि सामने देखिए कितनी मिस्ट बन रही है, आपको जूम करके दिखाएं, देखिए इतना प्रेशर है पानी का, मिस्ट बन रही है। देखो पानी कैसे ऊपर आ रहा है। यह है कोलवा बीच, ये सामने ना फिशिंग की तैयारी हो रही है। ये फिशरमैन है, अभी या तो फिशिंग करने जा रहे होंगे या वापस आ रहे हैं, शायद वापस आए हैं अभी ये। बढ़िया बीच है, थोड़ी लहरें, अभी हाई टाइड का टाइम है मॉनसून के कारण, बट जितना रफ लग रहा था ना उतना रफ है नहीं, बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है बहुत। मिट्टी यहाँ की ना जो सैंड इतनी सॉफ्ट है, पीछे देखिए मेरे सारे स्टेप्स के निशान बनते आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ये सैंड है। देखिए मैं 10 स्टेप और आगे आ गया हूँ, फिर देखिए फुटप्रिंट्स मेरे बनते जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे भी पूरा खूब एंजॉय कर रहे हैं सी को, और हमने जो रास्ते से मैंगो लिए थे ना उसकी खाने की तैयारी चल रही है, हमने पाइनएप्पल भी लिया था उसकी तैयारी चल रही है सारी। तो ये देखिए ऐसा है मैंगो, तो हमने इसको छील लिया, पील कर लिया, तो उसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। समुंदर के किनारे आम, इतना बढ़िया मैंगो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए करो, तो आपको ना आगे वो दिखा रहे हैं जहाँ से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ये वाला पानी। ये देखिए समुंदर का पानी, हाई टाइड जब आती है ना ये पानी फ्लो करके फिर उधर को निकल जाता है। नेचर क्या मतलब बढ़िया चीज़ है ना, पानी जो है ना अपना रास्ता खुद बनाता है, और पानी में कभी भी कोई आप ऑब्स्ट्रक्शन लगा नहीं सकते। ये देखो इन्होंने ना अभी नेट डाला अंदर, फिशिंग करने के लिए आए हैं ये लोग, इनसे जाके कोशिश करते हैं बात करने की। भैया नेट डाल दिया अंदर? नहीं वो पकड़ के रखे हैं, ये अंदर का नहीं, दिखा रहा है अंदर है अभी नेट। हाँ, एक निकला और एक बचा है। अच्छा इसमें है फिशेस? इसमें ये निकाला है नेट बाहर, इसमें फिश और क्रैब बचा है, देखो फिश क्रैब। अच्छा देखो पॉम्पलेट भी मिला इसमें, आगे आगे ये और आगे जो पॉम्पलेट। अच्छा ये देखो ये क्रैब्स हैं, क्रैब नहीं रे, ये क्या है? वो सब केकड़ा है, केकड़ा है ये। क्रैब्स कौन सा है इसमें? ये पॉम्पलेट है, वही है ना। अच्छा पॉम्फ्रे हमारे तो थोड़ी अलग शेप की आती है, ये पॉम्फ्रे है, बच्चा है ना, बच्चा है। अच्छा बच्चा है, बड़ा आएगा तू बर्फ पर आना, बड़ा आएगा। देखो ये जिंदा अभी, वो देखो देखो उधर देखो उधर मालूम पड़ेगा। और सर जी उधर जो पॉम्फ्रे देता कोई हाथ की, पॉम्फ्रे दिखाना कौन सा है? देता कोई हाथ दे। अच्छा वो देखो फिश का साइड है पॉम्फ्रे। अच्छा ये रहा पॉम्फ्रे, ओके ये देखो अभी पता चला, सो सो ये दिन सुखे रहो से, अभी बच्चा है, बड़ा रहता तो मालूम पड़ता है। तो फिशिंग नेट में काफी इन्होंने अभी वो देखिए पूरा देखिए इसमें काफी फिशीज है। और ये वाला कब निकालोगे? 20 मिनट में। फिर ये फेंकते कैसे हो बोट पे जाके? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। जो पानी अंदर के तो कितनी अंदर तक चला जाता है पानी, ये नेट कितनी अंदर ले जाता है ये? 4 रोल 5 रोल उसी जाता है। अच्छा एक रोल। अच्छा
तो तकरीबन फिर तो ये 1 किलोमीटर तक अंदर जाता है, एक से ज़्यादा। चलो, तो उन्होंने अभी बताया कि जो अभी फिशिंग ये देखते हैं, करंट देखते हैं पानी का कितना, मतलब कौन सा करंट इसके नेट को अंदर लेके जाएगा। तो तकरीबन उन्होंने बताया कि 1 से ज़्यादा किलोमीटर जो है वो नेट जो पानी के अंदर चला जाएगा, वहाँ से फिर ये सारी फिश को पकड़ते हैं। तो अगले 20 मिनट के बाद ये निकालेंगे इस नेट को। तो तकरीबन जो अभी नेट हमने देखा ना, उसमें 50 से ज़्यादा फिशेस प्लस क्रैब्स प्लस केकड़ा ऐसी चीज़ें थी। चलो, ये एक्सपीरियंस भी देखा हमने। तो अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ वापस। तो उम्मीद है कि अगले 10-15 मिनट तक हम यहाँ से निकलेंगे। तो आज के प्लान में था कि हम कोला, ये है कोलवा, अभी जाएंगे कोला बीच और उसके बाद पालोलेम। तो देखते हैं कि प्लान कितना मतलब एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि ना यहाँ से जो कोला बीच है वो भी अराउंड 34 किलोमीटर है, और उसके आगे फिर और शायद 12-15 किलोमीटर और पालोलेम बीच है। तो अराउंड 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से कोला बीच की। कोला बीच हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना एक तो व्यू बहुत बढ़िया ऊपर से हिल से, प्लस वहाँ पे कायकिंग करने को मिल सकती है। और पालोलेम बीच तो यहाँ का वन ऑफ द जो है पॉपुलर बीच है साउथ गोवा का।